9 अक्टूबर रविवार के दिन भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरा वनडे मुकाबला खेला गया। आपको बता दें, ईशान किशन श्रेयस अय्यर की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के दम पर टीम इंडिया ने मेहमान टीम को 7 विकेट से रौंद दिया। इस मुकाबले में एक बार फिर से टीम इंडिया के सलामी बल्लेबाज फेल रहे, जहां शिखर धवन और शुभमन गिल टीम इंडिया के लिए अच्छी शुरुआत नहीं कर पाए। लेकिन बावजूद इसके भारतीय युवा सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने आज अपनी छोटी पारी से एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। और इस रिकॉर्ड में शुभमन गिल ने क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर की बराबरी कर ली है। वो क्या रिकॉर्ड है, चले जानते हैं इस खबर में। आपको बता दें, आज शुभमन गिल ने मात्र 26 गेंदों में 28 रनों की पारी खेली। उनकी पारी तेज तो थी मगर छोटी बहुत थी। लेकिन अपनी इसी पारी के चलते अब शुभमन गिल ने बतौर भारतीय सलामी बल्लेबाज पहली 7 पारियों में 351 रन बना लिए हैं। भारत के लिए वनडे में बतौर सलामी बल्लेबाज पहली 7 पारियों में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में शुभमन गिल पहले पायदान पर आ गए हैं। और उन्होंने इस मामले में क्रिकेट के भगवान और दिग्गज भारतीय बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर की बराबरी कर ली है। दोनों ही बल्लेबाजों के नाम पहली 7 पारियों में बतौर सलामी बल्लेबाज 351 रन हैं। शुभमन गिल की बात करें तो उन्होंने अब तक टीम इंडिया के लिए वनडे में 11 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 7 उन्होंने बतौर सलामी बल्लेबाज खेले। शुभमन गिल के नाम यूं तो एक शतक भी है, लेकिन वो उन्होंने नंबर 3 पर आते हुए जड़ा था इसी साल जिम्बाब्वे के विरुद्ध। लेकिन बतौर ओपनर शुभमन गिल ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन भी किया है। वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्हें पारी की शुरुआत करने का मौका मिला था और इसके बाद से ही शुभमन गिल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।